अपना परिचय बताएं। मैं सरदार दर्शन सिंह लाल दरवाजा गाजीपुर में रहता हूं और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मेरे पास कई संस्थाएं हैं। सबसे पहली संस्था मेरे पास रामलीला कमेटी है, जिससे मैं 500 साल से जुड़ा हुआ हूं और उसका संरक्षक हूं। गुरुद्वारा कमेटी का मैं अध्यक्ष हूं और व्यापार मंडल का भी संरक्षक हूं। और रेड क्रॉस सोसाइटी, जो हमारी इंटरनेशनल सोसाइटी है, उसका मैं कैशियर हूँ। इस तरह से और भी सामाजिक संस्थाएं हमारे पास हैं, जैसे महिला परामर्श केंद्र, उसमें महिलाओं के जितने भी विवाद होते हैं उसको पुलिस लाइन में बैठ करके हम सुलझाते हैं और कोशिश करते हैं कि उन विवादों को सुलझा करके दोनों पत्नी पत्नियों में जो आपस मन मुटाव है उसको दूर करके एक दूसरे की विदाई करा दी जाए। और हर हफ्ते हम संडे को, रविवार को पुलिस लाइन में बैठते हैं। कभी 30 फाइल, कभी 35 फाइल, कभी 40 फाइल रहती है, जिसमें से ज़्यादातर हम लोग निपटाने की कोशिश करते हैं। हर हफ्ते चार पाँच छः फाइलें जो है हम लोग निपटाते हैं और विदाई कराते हैं। हमारा यही समाज के प्रति कार्य है कि हम समाज को अच्छे से अच्छा कार्य दे सकें। जैसे अभी हमने रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से स्कूलों में अनाथ बच्चों को ड्रेस दिया है, ब्लेजर दिया है, पैंट शर्ट दिया है। और इस तरह से और भी कोई आपदा, कोई भी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं तो हम लोग उसमें सामाजिक कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष, हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष जिला अधिकारी होते हैं और सेक्रेटरी सीएमओ होते हैं। अच्छा, तो ये अमूमन करती क्या है रेड क्रॉस सोसाइटी? रेड क्रॉस सोसाइटी का कार्य ये होता है कि आपात स्थिति में, जैसे बाढ़ आ गई, कहीं अग्नि हो गई, कहीं और कोई ऐसी आपात स्थितियां जब भी कहीं लागू होती हैं तो हमारे वॉलंटियर्स वहां जा करके उनको सहयोग देते हैं। जैसे बाढ़ में तिरपाल दिया, राशन दिया या और चीज़ें जो भी आवश्यकता पड़ती है हम देते हैं। इसके अलावा सामाजिक कार्य और भी, कहीं मान लीजिए कहीं अनाथ कोई बच्चे हैं जिनका कोई भी नहीं है, कोई सहारा नहीं है, कोई दवा का उनके लिए सहारा नहीं है, तो उनको भी रेड क्रॉस सोसाइटी आपात स्थिति में मदद करती है। बच्चों को पढ़ने की भी व्यवस्था करती है क्या? नहीं, बच्चों पढ़ने की व्यवस्था हम नहीं करते। पहले करती थी? नहीं, पहले भी नहीं करते थे, लेकिन हाँ, उनको अगर कुछ सहयोग की जरूरत होती तो हम सहयोग के रूप में दे देते हैं, लेकिन करते नहीं। अच्छा, ये परामर्श केंद्र में आप किस तरह से मामलों को सुलझाते हैं? परामर्श केंद्र में हमारे पास कई तरह के मामले आते हैं। कभी कभी ऐसे मामले आते हैं कि लड़की चाहती है कि हम ससुराल में जाएंगे और लड़का चाहता है कि हम नहीं लिवा जाएंगे। और कभी ऐसे भी होते हैं कि लड़का चाहता है लिवा जाने के लिए, लड़की चाहती है हम नहीं जाएंगे। इन मामलों में बड़ी जटिलता आ जाती है। कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है कि एक दूसरे को समझाना, एक दूसरे को विदा कराना असंभव सा कार्य है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको समझा करके, बुझा करके उसकी विदाई कराते हैं। फिर एक महीने बाद उसको बुलाते हैं और हालचाल लेते हैं। जब समझ लेते हैं कि ना ये फैमिली बिल्कुल सेटल हो गई है, तभी फाइल को हम बंद करते हैं। ये परामर्श केंद्र में आप कब से हैं? परामर्श केंद्र हमें 6-7 साल हो गया कार्य करते हुए। और प्रत्येक वर्ष ये समझ लीजिए कि हम लोग 400 केसेस हम लोग सुलझाते हैं प्रतिवर्ष। परामर्श केंद्र आपको कुछ पारिश्रमिक भी देता है, मानदेय? नहीं, कुछ नहीं, हमारा सेल्फ जो है उसमें जाते हैं, बस यही है कि हमारा वहाँ समाज के लिए जाते हैं। जी, आपको वो कुछ मिलता नहीं वहाँ? नहीं, कुछ नहीं मिलता है। ठीक है सर, थैंक यू आपसे बात करने के लिए।